तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर डिज़ाइन की थी और कुछ चीज़ें फॉर्मेटिंग की थी और यहाँ पर कुछ चीज़ें न्यू टेबल्स में एडिशन की थी। तो आज हम VBA की मदद से यहाँ पर ईमेल और मेल की सेटिंग करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ बताया था। तो उसकी सिंपल हम जाएंगे डिज़ाइन मोड में और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ईमेल को। ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे थ्री डॉट को और यहाँ पर आपके पास इस तरह से VBA का एक बॉक्स ओपन होके आएगा, जो कि आपने यहाँ पर VBA की कोडिंग करनी है। तो अब आपने यहाँ पर लिखना क्या है, सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो मैं आपको सब कुछ बताता भी चलूँगा कि आपने ये क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप ईमेल पर क्लिक करें तो क्या हो, आपकी जो मेल है वहाँ से आपका रेडियो बटन हट जाए। ठीक है, किस तरह से मैं आपको वो दिखा दूँ, पिन करके। तो यहाँ पर फॉर्म में जाते हैं और ये देखें, यहाँ पर जब मैं ईमेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेल का हट जाए, और जब मैं मेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ईमेल का हट जाए। तो सिंपल हम इस तरह से करेंगे कि जब मैं ईमेल को सिलेक्ट करूँ, जब मी डॉट ऑप्ट ईमेल डॉट सॉरी मेल लिखेंगे, क्योंकि हमने मेल को फॉल्स करना है, मेल डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो उसके बाद हम ये तो कर दिया हमने, जब हम मेल को सिलेक्ट करेंगे, ईमेल को सिलेक्ट करेंगे तो मेल फॉल्स हो जाए, पर अब जब हम मेल को सिलेक्ट करें तो ईमेल भी तो फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, सही। तो हम यहाँ पर मेल को सिलेक्ट करके इसकी भी कोडिंग करेंगे इस तरह तरीके से, और यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर आप सिंपल वही लिखेंगे, बस यहाँ पर जो मेल है वहाँ पर ईमेल आ जाएगा, ऑप्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, और आपने ये जो नेम्स हैं वो भी आपको जहन में रखने हैं कि यहाँ पर मैंने ऑप्ट जो है ईमेल यहाँ पर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, तो आप जो नाम देंगे उसके उसी को देख के आपने कोडिंग करनी है। यहाँ पर ऑप्ट ईमेल है तो आपकी कोडिंग में भी ऑप्ट ईमेल यहाँ पर लिखना है, ऑप्ट मेल ऑप्ट ईमेल यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरीके से तो हमने ये कोडिंग की है कि जब अगर आप ईमेल को सिलेक्ट करते हैं तो मेल का हट जाए। ठीक है, तो अब हमने ईमेल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेल हट जाए, और जब आप यहाँ से मेल को सिलेक्ट करें, क्लिक करें तो क्या हो, ईमेल का हट जाए। तो आप देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। देखें, ईमेल को सिलेक्ट किया तो मेल का तो था ही नहीं किया, अब जब मैं मेल को सिलेक्ट करूँ तो ईमेल का हट गया। ठीक है, जिस तरह से मेल और फीमेल का हम सेटिंग कर दें। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जब हम ईमेल को सिलेक्ट करें तो हमारा ये बॉक्स ओपन हो गया है, और जब हम मेल को सिलेक्ट करें तो ये बंद हो जाए, सही। सिंपल, अब पहले तो आपने देखना है इसका नाम क्या है, प्रेफरेंस। तो क्लिक ईमेल, हमने क्या करना है, ईमेल को सिलेक्ट करें तो बॉक्स ओपन हो मी डॉट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस डॉट डॉट होगा मी डॉट इनेबल, इनेबल इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू करना है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप ईमेल को सिलेक्ट करेंगे तो आपका ईमेल बॉक्स ओपन हो, और जब आप मेल को सिलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास बॉक्स की वैल्यू फॉल्स, मतलब बॉक्स आपका बंद हो जाए। तो यहाँ पर आपने ट्रू के बजाय फॉल्स करना है। तो अब आप देखें, यहाँ पर जब हम ईमेल को सिलेक्ट करते हैं तो ईमेल का तो खुला हुआ, खैर जब हम मेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। खैर, मैंने प्रेफरेंस को बंद कर दिया, मैंने ईमेल को ईमेल एड्रेस को बंद करना था, खैर ये तो गलती कर दी मैंने। दोबारा जाके हम सेट करते हैं ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को हमने बंद करना था, और यहाँ पर भी हम कर देते सेव। अब देखें सेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखिए ईमेल को करा, ईमेल को क्लिक किया तो ईमेल तो खुला हुआ, फिर मेल को करेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वहाँ पर VBA कोडिंग की। अब हमने क्या करना है कि अब जब हम ईमेल को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर ईमेल लिखा है, और जब हम मेल को सिलेक्ट करें तो हम यहाँ पर मेल लिखा है। तो यहाँ पर सिंपल जाएंगे ईमेल की कोडिंग में, और यहाँ पर लिखेंगे
जब हमने मेल को ईमेल को सिलेक्ट किया तो मेल डॉट प्रिफरेंस डॉट वैल्यू जो हो वो हो मेल, सही। और जब आप मेल को सिलेक्ट करें तो उसकी क्या हो, वैल्यू क्या हो उसकी, उसकी वैल्यू हो मेल डॉट प्रिफरेंस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू मेल, सही। तो आप देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। अब देखें, ईमेल सेलेक्ट किया, ईमेल लिखा आया और ये बॉक्स ओपन है, मेल सेलेक्ट किया, मेल लिखा आया और ये बॉक्स डिसेबल। तो इस तरीके से ये हमने कोडिंग की और फर्दर भी हम कोडिंग करेंगे जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये सिंपल कोडिंग थी, खैर इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यहाँ पर जो बॉक्स था यहाँ पर देखें, ये जो टेबल है तो उसको हम डिज़ाइन करेंगे। ये मैं बताऊंगा कि आपको ये किस तरह से आप इस इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। तो लेकिन के जो बच्चे ये दो उस्मान और अस्मान, इसके बच्चे एक्स वाई जेड, तो ये अलग अलग किस तरह से कनेक्ट हैं इस फॉर्म की फॉर्म के साथ, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो आपको समझ ना आए वो आप नीचे कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँ। ठीक, शुक्रिया।